एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल ग्राउंडेड टू ग्रो। तो जैसे कि कल की क्लास में हमने बायोलॉजी का न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था, दैट इज चैप्टर टिश्यूज, और हमने साथ ही साथ ये भी पढ़ा था कि टिश्यूज क्या होते हैं, दैट इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट परफॉर्म अ सिमिलर काइंड ऑफ फंक्शन, दे आर कॉल्ड टिश्यूज। फिर हमने नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा था कि जो प्लांट और जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, दैट इज प्लांट्स और एनिमल्स, दोनों में ही डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ टिश्यूज होते हैं। और फिर हमने डिस्कस किया था प्लांट टिश्यूज के बारे में, उनकी क्लासिफिकेशन के बारे में। एक बार उसको फिर से रिवाइज करते हैं, देन वी विल मूव ऑन टू द फर्स्ट टाइप ऑफ प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यूज टू टाइप्स के होते हैं, दैट इज मेरिस्टमैटिक एंड परमानेंट टिश्यूज। मेरिस्टमैटिक टिश्यूज जो होते हैं वो थ्री टाइप्स के होते हैं, एपिकल मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टम। नेक्स्ट हमने पढ़ा था परमानेंट टिश्यूज। परमानेंट टिश्यूज जो है वो फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइडेड है, दैट इज सिंपल टिश्यूज एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यूज। सिंपल टिश्यूज में हमारे पास फर्दर थ्री क्लासिफिकेशन है, दैट इज पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। तो वही जो कॉम्प्लेक्स टिश्यूज है वो हमारे पास दो पार्ट्स में फर्दर डिवाइडेड है, दैट इज फ्लोएम एंड जाइलम। तो अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं मेरिस्टमैटिक टिश्यूज के बारे में, दैट इज द फर्स्ट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट टिश्यूज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेरिस्टमैटिक टिश्यूज। बेसिकली मैंने आपको बताया था कि जो प्लांट्स में हर एक रीजन में ग्रोथ नहीं होती है, यानी कि एक प्लांट में कुछ रीजन्स ही ऐसे होते हैं जहाँ पे ग्रोथ होती है और कुछ रीजन्स ऐसे होते हैं जहाँ पे ग्रोथ नहीं होती है। तो बेसिकली जिन एरियाज में ग्रोथ होती है वहाँ पे कौन से टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, मेरिस्टमैटिक टिश्यूज। मेरिस्टमैटिक टिश्यूज यानी कि वो टिश्यूज जो प्लांट सेल, जो प्लांट्स होते हैं उनमें ग्रोथ में हेल्प करते हैं। जो मेरिस्टमैटिक टिश्यूज होते हैं उनको हम डिवाइडिंग टिश्यूज भी कहते हैं। मेरिस्टमैटिक टिश्यूज बेसिकली होते क्या है, दे डिवाइड कॉन्टिन्यूसली एंड हेल्प इन इंक्रीजिंग द लेंथ and girth of the part or the plant. This is plant. तो यानी कि मेरिस्टमैटिक टिश्यूज क्या होते हैं, बेसिकली ये वो टिश्यूज होते हैं जो वो कॉन्टिन्यूसली अपने आप में डिवाइड करते रहते हैं ताकि वो प्लांट की जो लेंथ और गर्थ है उसको इंक्रीज करने में हेल्प कर सके। सो मेरिस्टमैटिक टिश्यूज क्या होते हैं, ये वो टिश्यूज होते हैं जो कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करते रहते हैं टू इंक्रीज, जिसकी वजह से हम हमारा जो प्लांट है उसकी लेंथ और गर्थ इंक्रीज हो पाती है। तो अभी हमने पढ़ा मेरिस्टमैटिक टिश्यूज क्या होते हैं, बेसिकली वो टिश्यूज होते हैं जो प्लांट सेल्स में ग्रोथ में हेल्प करते हैं बाय डिवाइडिंग कॉन्टिन्यूसली। बेसिकली अब हम पढ़ते हैं मेरिस्टमैटिक टिश्यू का स्ट्रक्चर कैसे होता है। मैंने आपको बताया था कि टिश्यूज कैसे फॉर्म होते हैं, बाय अ ग्रुप ऑफ सेल्स। तो बेसिकली जो मेरिस्टमैटिक सेल्स होते हैं, यानी कि मेरिस्टमैटिक टिश्यू में जो सेल्स का ग्रुप होता है उनकी शेप कुछ ऐसी होती है, विच हैव दीज आर द सेल वॉल्स, दिस इज द न्यूक्लियस एंड दिस इज द साइटो प्लाज्म। सो ये मेरिस्टमैटिक सेल्स होते हैं जिनकी शेप कुछ ऐसी होती है, जिनमें सेल वॉल होती है। अब सेल वॉल हमारी क्यों है यहाँ पे, क्योंकि दे आर प्लांट सेल्स, और प्लांट सेल्स में क्या होती है, सेल वॉल टू प्रोवाइड रिजिडिटी एंड टर्जिडिटी, जो हमने फर्स्ट चैप्टर दैट इज सेल में और बायोलॉजी में पढ़ा था। नेक्स्ट है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस होता है मेरिस्टमैटिक सेल्स में और साइटोप्लाज्म होता है। तो चलिए हम पढ़ते हैं जो मेरिस्टमैटिक टिश्यूज में जो सेल्स होते हैं, दैट इज मेरिस्टमैटिक सेल्स, उनके कुछ करेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज के बारे में। फर्स्ट है दे हैव थिन सेल्युलोस वॉल्स या फिर दे हैव थिन सेल वॉल्स, यानी कि जो मेरिस्टमैटिक टिश्यूज में जो मेरिस्टमैटिक सेल्स होते हैं उनकी थिन सेल वॉल्स होती हैं एज कम्पेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ अदर काइंड ऑफ सेल्स। तो आप देख सकते हो कि जो सेल वॉल है मेरिस्टमैटिक टिश्यूज में वो काफ़ी पतली होती है एज कम्पेयर टू एनी अदर काइंड ऑफ सेल। नाउ द नेक्स्ट इज द सेल्स आर कॉम्पैक्टली अरेंज्ड। कॉम्पैक्टली अरेंज्ड का मतलब दे डोंट हैव इंट्रा सेल्यूलर इंटर सेल्यूलर स्पेसिस बिटवीन देम। अभी आप ये डायग्राम देखो, क्या आपको दो सेल्स के बीच में कोई स्पेस दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई
दिखाई दे रहा है ना, यानी कि जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं वो आपस में बहुत अच्छे तरीके से पैक्ड हैं, दैट इज कॉम्पैक्टली अरेंज्ड, यानी कि उनके बीच में स्पेसेस नहीं है, दैट इज इंटरसेलुलर स्पेसेस इज नॉट प्रेजेंट बिटवीन द मेरिस्टेमेटिक सेल्स. नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, बेसिकली जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं उनमें क्या क्या होता है. फर्स्ट इज अबेंडेंट साइटोप्लाज्म, यानी कि जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है. साइटोप्लाज्म हमने फर्स्ट चैप्टर सेल में पढ़ा था, दैट इज इट्स अ पार्ट ऑफ सेल जिसमें हमारे बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स सस्पेंडेड होते हैं. नेक्स्ट है सिंगल लार्ज न्यूक्लियस, यानी कि जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं एक मेरिस्टेमेटिक सेल में सिर्फ एक ही न्यूक्लियस होता है विच इज लार्ज इन साइज. जब हम न्यूक्लियस के बारे में पढ़ रहे थे मैंने आपको बताया था कि ज़रूरी नहीं है कि हर सेल में एक ही न्यूक्लियस हो, देयर कैन बी मोर देन वन न्यूक्लियस इन अ सेल. लेकिन यह मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के जो सेल्स हैं उनमें सिर्फ एक ही लार्ज साइज का न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. नेक्स्ट है दे आर फ्यू और नो वैक्यूल्स. जब हम सेल ऑर्गेनल्स पढ़ रहे थे हमने पढ़ा था कि जो प्लांट सेल्स होते हैं उनमें वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं इन लार्ज क्वांटिटी एज कम्पेयर टू द एनिमल सेल्स. लेकिन जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स हैं उनमें या तो बहुत छोटे वैक्यूल्स होते हैं या फिर ना के बराबर वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं. सो दीज आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मेरिस्टेमेटिक सेल्स, दैट इज दे हैव थिन सेल्युलोज वॉल और दे हैव थिन सेल वॉल्स. नेक्स्ट दे आर कॉम्पैक्टली अरेंज्ड, यानी कि सेल्स के बीच में जो स्पेसेस होते हैं वो नहीं है. एंड द मेरिस्टेमेटिक सेल कंटेन्स अबेंडेंट साइटोप्लाज्म, यानी कि बहुत ज़्यादा साइटोप्लाज्म होता है. दे हैव ओनली वन एंड अ लार्ज न्यूक्लियस ईच ऑफ द मेरिस्टेमेटिक सेल. एंड द नेक्स्ट इज दे हैव फ्यू और नो वैक्यूल्स इन द मेरिस्टेमेटिक सेल्स. अभी तक हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के बारे में क्या पढ़ा कि आखिर वो क्या काम करते हैं, दैट इज दे हेल्पिंग ग्रोथ, और उनका स्ट्रक्चर या फिर जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है. नाउ वी विल सी कि बेसिकली जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं वो आखिर प्लांट में कहाँ कहाँ पे होते हैं. अब देखो इसको आप लिंक करना कि आपको कैसे पता चलेगा कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं वो कहाँ कहाँ पे होते हैं. मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज का काम क्या होता है, प्लांट को ग्रो करने में हेल्प करना. और क्या हर एक पार्ट ऑफ द प्लांट ग्रो कर सकता है, नहीं कर सकता. ये मैंने आपको बताया था कि जो प्लांट्स होते हैं उनमें कुछ लिमिटेड रीजन्स ही जो हैं वो ग्रोथ कर सकते हैं. तो यानी कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, उन पार्ट्स में जो ग्रोथ करते हैं इन अ प्लांट, यानी कि जो पार्ट्स एक प्लांट में ग्रो करते हैं उन्हीं पार्ट्स में हमारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो है वो प्रेजेंट होते हैं. अब जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जिन पार्ट्स में अवेलेबल या फिर फाउंड हम उनको कर सकते हैं, उसी के बेसिस पे हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, दैट इज एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम एंड लेटरल मेरिस्टम. यानी कि ये जो तीनों डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं, दैट इज एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल, इनको हमने किस बेसिस पर डिवाइड किया है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर अक्रेंस. यानी कि एक प्लांट सेल में जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं वो जहाँ जहाँ पे अकर करते हैं उनकी पोजीशन के हिसाब से हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, दैट इज एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम एंड लेटरल मेरिस्टम. तो अब चलिए देखते हैं कि ये जो तीनों मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं ये आखिर कहाँ कहाँ पे अकर होते हैं. फर्स्ट इज एपिकल मेरिस्टम. बेसिकली जो एपिकल मेरिस्टम है इट इज फाउंड इन द ग्रोइंग टिप ऑफ स्टेम एंड रूट्स. यानी कि बेसिकली जो स्टेम होती है प्लांट की और जो रूट्स होती है उनकी जो ग्रोइंग टिप्स होती है या फिर जो उनका एंडिंग पॉइंट होता है वहाँ पे कौन सा टिश्यू फाउंड होता है, एपिकल मेरिस्टम. अभी मैंने एग्जांपल बनाया इसके थ्रू हम समझते हैं कि कहाँ कहाँ पे एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम और लेटरल मेरिस्टम प्रेजेंट होता है. एपिकल मेरिस्टम कहाँ प्रेजेंट होता है, ऑन द ग्रोइंग टिप्स ऑफ द
स्टेम एंड रूट्स, और हमें ये पता है कि कहीं भी अगर ग्रोथ होती है तो वो उसके एकदम जो उसका टिप होती है वहाँ से ग्रो होता है। यानी कि अगर ये हमारा प्लांट है तो इसका सबसे ऊपर जो स्टेम है वो उसकी जो ये टिप वाला पोर्शन है, दिस पोर्शन, यहाँ से हमारा जो प्लांट है वो ग्रो करेगा। ऐसा तो है नहीं ना कि जो हमारी बाग है वहाँ से ग्रो करेगा हमारा प्लांट, जो टिप है वहीं से ग्रो करेगा ना हमारा प्लांट। तो इसीलिए जो मेरिस्टमैटिक टिश्यूज हमारी ग्रोइंग टिप पे होते हैं दे आर कॉल्ड एपिकल मेरिस्टम। तो यानी कि इस पोर्शन में कौन से टाइप ऑफ मेरिस्टमैटिक टिश्यूज प्रेजेंट होंगे, एपिकल मेरिस्टमैटिक टिश्यूज और एपिकल मेरिस्टम। नेक्स्ट इज इंटरकैलरी मेरिस्टम। बेसिकली इंटरकैलरी मेरिस्टमैटिक टिश्यूज कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, द बेस ऑफ लीव्स और द इंटरनोड्स, यानी कि जो लीव्स होती है लाइक ऐसे अगर हमारी लीव्स हैं और जो यहाँ से कनेक्टेड होती हैं तो जो बेस ऑफ लीव्स होती है या तो वहाँ पे हम इंटरकैलरी मेरिस्टम को फाइंड कर सकते हैं या फिर इंटरनोड्स। अब इंटरनोड्स क्या होती है, दीज पॉइंट्स, यानी कि जहाँ से जो हमारी मेन बाग या फिर जो ब्रांच है उससे स्टेम्स निकल रही हैं, तो इन पॉइंट्स पे भी हमारे ग्रोइंग टिश्यूज होते हैं जिनकी मदद से हमारी स्टेम्स यहाँ से निकलती हैं। अब देखो हमारी ये बाग थी, यहाँ से हमारी स्टेम निकलेगी और फिर वो एक स्टेम बनेगी, तो यानी कि यहाँ से ग्रोथ होनी स्टार्ट हुई ना। सो इन पॉइंट्स पे क्या अवेलेबल होता है, इंटरकैलरी मेरिस्टम। इंटरकैलरी मेरिस्टम कहाँ पे फाइंड कर सकते हैं हम, बेस ऑफ लीव्स और द इंटरनोड्स। नाउ द थर्ड टाइप ऑफ मेरिस्टमैटिक टिश्यू इज लेटरल मेरिस्टम। लेटरल मेरिस्टम बेसिकली हम बीनीथ द बाग फॉर्म कर सकते हैं, यानी कि जो हमारा बाग होता है ट्री का, प्लांट का, उसमें क्या होता है, लेटरल मेरिस्टम। सो ये हमारा एपिकल मेरिस्टम था, दीज पॉइंट्स और दीज पॉइंट्स आर इंटरकैलरी मेरिस्टम, और ये जो पार्ट है हमारा बाग का इसमें कौन सा मेरिस्टम होगा, लेटरल मेरिस्टम। सो मेरिस्टमैटिक टिश्यूज फॉर्म अकरेंस के, यानी कि वो कहाँ कहाँ पे प्लांट्स में अकर करते हैं उसके बेसिस पे थ्री पार्ट्स में हम लोगों ने क्लासिफाई किया है, एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल। एपिकल बेसिकली ग्रोइंग टिप्स ऑफ द स्टेम्स एंड रूट्स हम उनको फाइंड कर सकते हैं, इंटरकैलरी को हम बेस ऑफ लीफ या फिर जो इंटर नोड्स होते हैं वहाँ पर, और जो लेटरल हैं उनको हम बीनीथ द बाग। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक रिलेटेड टू मेरिस्टमैटिक टिश्यूज इज द फंक्शंस ऑफ मेरिस्टमैटिक टिश्यूज। एक फंक्शन तो हमने देखा मेरिस्टमैटिक टिश्यूज का कि वो क्या करते हैं, दे हेल्प इन ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स। नाउ लेट अस सी ऑल द फंक्शंस इन डिटेल ऑफ द मेरिस्टमैटिक टिश्यूज। फर्स्ट इज दे एक्ट एज द पैरेंट टिश्यूज। एक्चुअली में जो मेरिस्टमैटिक टिश्यूज है उन्हीं की वजह से जो प्लांट है वो हमारा ग्रो करता है और उसमें वेरियस एक्टिविटीज परफॉर्म हो पाती है। तो यानी कि जो मेरिस्टमैटिक टिश्यू है वो एक पैरेंट टिश्यू की तरह काम करता है जिसके मदद से दूसरे टिश्यूज जो है वो डेवलप होते हैं एंड दे परफॉर्म देयर डिफरेंट फंक्शंस। नेक्स्ट इज इट हेल्प्स इन ग्रोथ। ये पॉइंट तो हमने पढ़ा है मेरिस्टमैटिक टिश्यू का कि इट हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ द प्लांट। नेक्स्ट इज इट हेल्प टू प्रोड्यूस न्यू लीव्स, ब्रांचेस, फ्लावर्स एक्सेट्रा। बेसिकली अगर आप देखो एक जब छोटा सा प्लांट होता है तो क्या उसमें आप फ्रूट्स फ्लावर्स देख सकते हो, नहीं देख सकते ना, लेकिन जब वो छोटा सा प्लांट बड़ा हो जाता है तो आप उसमें इजीली फ्रूट्स फ्लावर्स एक्सेट्रा देख सकते हो। तो यानी कि जब हमारा प्लांट ग्रो करता है तो उसी के साथ उतने लीव्स भी इंक्रीज हो जाती हैं, ब्रांचेस ऑफ स्टेम भी इंक्रीज हो जाती हैं, फ्रूट्स भी इंक्रीज हो जाते हैं, फ्लावर्स वगैरह सब जो है उनकी ग्रोथ होती है एंड दे इंक्रीज इन नंबर। अब ये जो ग्रोथ हुई है प्लांट में किसकी वजह से होती है, मेरिस्टमैटिक टिश्यू की वजह से। सो मेरिस्टमैटिक टिश्यू हेल्प टू प्रोड्यूस न्यू लीव्स, द ब्रांचेस ऑफ द स्टेम्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स एक्सेट्रा इन अ प्लांट। नेक्स्ट इज इट हेल्प्स इन हीलिंग द इंजरीज। एक्चुअल में जो हमारे प्लांट्स होते हैं जैसे उनको इंजरी हो गई, सपोजिंगली विंड आई या फिर उन पर कुछ हो गया किसी भी प्लांट पे, तो उन इंजरीज को हेल्प उनको हील करने में भी कौन हेल्प करता है, मेरिस्टमैटिक टिश्यूज। यानी कि
जैसे सपोजिंगली पार्ट प्लांट का हमारा एक पार्ट था जो इंजर्ड हो गया, तो उस पार्ट के जो सेल्स थे वो भी इंजर्ड हो गए। अब मेरिस्टमैटिक टिश्यू हमारा क्या है, पैरेंट टिश्यू, तो वो उस पार्ट के जो सेल्स हैं उनको डेवलप करने में मदद करेगा ताकि वो जो इंजरी है उससे जो प्लांट को सेल्स का लॉस हुआ है उसे वो कवर अप कर सके। नाउ द नेक्स्ट इज बेसिकली अगर विंड वगैरह आती है तो जो सॉफ्ट ब्रांचेस होती हैं प्लांट्स की वो मुड़ जाती हैं या बेंड हो जाती हैं, तो उस टाइम पे जो हमारे इंटरकैलरी मेरिस्टम होता है, दैट इज इंटरकैलरी मेरिस्टम हेल्प्स द प्लांट टू मेक दोज ब्रांचेस और दोज स्टेम्स को अपराइट। यानी कि जब विंड वगैरह कोई भी फोर्स की वजह से हमारे प्लांट की जो ब्रांचेस या फिर जो स्टेम वगैरह बेंड हो जाती हैं तो उनको सीधा जाने में टू हेल्प देम गो अपराइट कौन हेल्प करता है, इंटरकैलरी मेरिस्टम। तो ये कुछ फंक्शंस हैं मेरिस्टमैटिक टिश्यू के, दैट इज इट एक्ट्स एज अ पैरेंट टिश्यू, इट हेल्प्स इन ग्रोथ, इट हेल्प्स टू प्रोड्यूस न्यू लीव्स ब्रांचेस फ्लावर्स एक्सेट्रा, इट हेल्प्स इन हीलिंग द इंजरीज ऑफ अ प्लांट एंड इट हेल्प्स द ब्रांचेस जो अगर मुड़ गई हैं टू गो अपराइट बाय द यूज ऑफ इंटरकैलरी मेरिस्टम। क्योंकि इंटरकैलरी मेरिस्टम हमारा कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ऑन द इंटर नोड्स, यानी कि जो ब्रांचेस हमारी बाग से अटैच्ड होती हैं वहाँ पे प्रेजेंट होता है हमारा इंटरकैलरी नोड्स। तो अगर हम वहीं से उनको ग्रो करना स्टार्ट कर दें तो जो हमारी ब्रांचेज हैं दे विल गो अपराइट जो बेंड हो गई थी। अभी तो हमने पढ़े मेरिस्टमैटिक टिश्यूज के फंक्शन एज अ कॉमन, यानी कि जिसमें हमने एपिकल लेटरल और इंटरकैलरी तीनों को मिक्स करके बताया कि मेरिस्टमैटिक टिश्यूज क्या फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। नाउ वी विल सी कि ये तीनों जो टाइप्स ऑफ मेरिस्टमैटिक टिश्यूज हैं ये क्या डिफरेंट फंक्शंस स्पेसिफिकली परफॉर्म करते हैं, तो चलिए देखते हैं। बेसिकली जो एपिकल मेरिस्टम होता है इट हेल्प्स इन द प्राइमरी ग्रोथ ऑफ द प्लांट। अब प्राइमरी ग्रोथ ऑफ द प्लांट क्या होती है, बाय इंक्रीजिंग द हाइट बाय इलोंगेशन ऑफ द रूट्स एंड स्टेम्स, यानी कि एक प्लांट के जो रूट्स एंड स्टेम्स होते हैं उनको इलोंगेट करने में, उनको लेंथ में इंक्रीज करने में कौन हेल्प करता है, एपिकल मेरिस्टम, जिसकी वजह से हमारे प्लांट की हाइट इंक्रीज हो पाती है एंड दैट्स वाई एपिकल मेरिस्टम हेल्प्स इन द प्राइमरी ग्रोथ ऑफ द प्लांट। नेक्स्ट इज लेटरल मेरिस्टम। लेटरल मेरिस्टम जो होता है वो हमारे रूट्स और स्टेम्स को डायामीटर में इंक्रीज करने के लिए हेल्प करता है, यानी कि एपिकल तो उनको लंबा करता है लेकिन जो लेटरल मेरिस्टम है वो उनको चौड़ाई में उनकी थिकनेस इंक्रीज करता है, इसीलिए हम लेटरल मेरिस्टम से सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ द प्लांट होती है। लेटरल मेरिस्टम इन द विच स्टेम और रूट्स हेल्प, लेटरल मेरिस्टम हेल्प्स टू इंक्रीज द डायामीटर ऑफ द स्टेम और रूट, दैट इज टू इंक्रीज द थिकनेस ऑफ स्टेम्स और रूट्स एंड इट हेल्प्स इन द सेकेंडरी ग्रोथ। नेक्स्ट इज इंटरकैलरी मेरिस्टम। इंटरकैलरी मेरिस्टम किसमें हेल्प करता है, टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ लीव्स और द इंटर नोड्स। बेसिकली जो तीनों कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं उसी से रिलेटेड है इनके फंक्शन। एपिकल मेरिस्टम टिप पे प्रेजेंट होता है तो वो हाइट इंक्रीज करता है, जो नेचुरल मेरिस्टम है वो बाक में प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से वो थिकनेस को इंक्रीज करता है, तो वही जो इंटरकैलरी मेरिस्टम है वो बेस ऑफ लीव्स या फिर इंटर नोड्स में प्रेजेंट होता है तो वो उनकी लेंथ को इंक्रीज करता है। और इंटरकैलरी मेरिस्टम का मैंने एक और फंक्शन आपको अभी बताया था कि बेसिकली जो हमारी ब्रांचेस बेंड हो जाती हैं तो उनको अपवर्ड जाने में भी कौन हेल्प करता है, इंटरकैलरी मेरिस्टम। सो दिस वॉज ऑल अबाउट मेरिस्टमैटिक टिश्यूज। मेरिस्टमैटिक टिश्यूज क्या होते हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, वो कहाँ कहाँ पे अकर करते हैं और उनके थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेरिस्टमैटिक टिश्यूज क्या हैं एंड उनके फंक्शंस। तो आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं, कल की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे प्लांट टिश्यूज की सेकेंड क्लासिफिकेशन, दैट इज परमानेंट टिश्यूज। डू लाइक आवर वीडियोज एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल ग्राउंडेड टू ग्रो फॉर मोर रिलेटेड वीडियोज। थैंक यू।